नमस्कार दोस्तों, आशु एग्रीकल्चर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे आशु एग्रीकल्चर स्टडी चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो मैं आज बात करूँगा बैंगन की ऑर्गेनिक तरीके से कैसे उगाएँ अपनी छत पर, वो भी गमलों में। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बैंगन का पौधा दिखाना चाहूँगा। इस COVID-19 के चलते हुए मैंने कुछ अलग किया है, अपनी ही छत पे टेस्टिंग के तौर पे कुछ पौधों को मैंने उगाया है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल यूज हो रहा है खेतों में, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे शरीर को जो हानि पहुंचा रही हैं, तो मैं बात करता हूं आगे। मैंने गमले को लिया है, गमले को लेकर के इसमें मैंने मिट्टी का सॉयल यानी सॉयल मिक्सचर तैयार किया है, मिट्टी को जो है मिला करके इस पॉट में जो है डाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 50% मिट्टी, 20% गोबर की खाद, 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, नीम खली, वर्मी कंपोलाइट, वर्मी क्यूलाइट, 10% का एक सॉयल मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसको मैं इस पॉट में भरा है। आप ये देख सकते हैं, क्या होता है, बैंगन के तनों में जो है तना छेदक रोग लग जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए ऑर्गेनिक तरीके से नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। घर में रखा हुआ पुराना छाँछ मट्ठा जो 10-12 दिन से जो है अधिक समय का हो, उसका भी स्प्रे हम अपने जो है पौधों पर कर सकते हैं। इन केस अगर कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी अगर जैविक चाहिए, तो इसमें मेटारिज़म, बायो फर्टिलाइज़र इत्यादि का जो है समय समय पर पौधों को देना चाहिए, जिससे आपके पौध में अच्छी फ्रूटनिंग और अच्छा उत्पादन हो सके। ये आप देख सकते हैं, फ्रूटनिंग आना स्टार्ट हो गया है, फल लगे हुए हैं बैंगन के जो है, और बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो आप भी अपने घरों में खाली पड़ी ज़मीन या खाली छत पे ऑर्गेनिक तरीके से बैंगन को उगा सकते हैं और दैनिक सब्जी में उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।